काष्ठी संगमणि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देव व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारत वर्ष ने विश्व को अनेक विधाओं का ज्ञान दिया। अनेक आविष्कार भी भारत वर्ष में हुए हैं। स्थापत्य कला में भारत वर्ष ने ऐसे अद्भुत प्रतीक निर्मित किए हैं जो सैकड़ों वर्षों की उपेक्षा, अनदेखी और प्राकृतिक झंझावतों का दीर्घकाल से सामना करते हुए आज भी अपनी गौरवमयी उपस्थिति से ऐसे चमत्कृत करते हैं जैसे कि नए बने हों। भारत वर्ष में उन्नत विज्ञान और तकनीकी का ऐसा ही एक प्रमाण महरौली का लौह स्तंभ है जिसने आधुनिक विज्ञानविदों को भी अचंभित किया है। भारत वर्ष में इस रहस्यमयी तकनीकी का यह प्रतीक पृथ्वीराज चौहान की नगरी ढिल्लिका में स्थापित है जिसे दिल्ली कहा जाता है। विश्व धरोहर कुतुब मीनार परिसर में ही सदियों पूर्व यह लौह स्तंभ स्थापित किया गया। मीनार से बहुत छोटा, केवल 7.35 मीटर ऊंचा, यानी मीनार के एक दहाई भर की ऊंचाई वाला यह स्तंभ भारतीय विज्ञान का रहस्य समेटे है। इस लौह स्तंभ में 98% लोहा है। विज्ञान कहता है कि इतने लोहे की मात्रा से निर्मित वस्तु में जंग लगना तय है, लेकिन पिछले 2000 वर्ष से निरंतर धूप और पानी में रहकर भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। विज्ञान की दृष्टि से यह एक बड़ा आश्चर्य है। लौह स्तंभ के जंगरोधी रहस्य का पता लगाने के लिए आईआईटी कानपुर के मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख रहे प्रोफेसर आर सुब्रमण्यम ने इस पर बहुत अध्ययन किया। प्रोफेसर सुब्रमण्यम के अनुसार अत्याधुनिक तकनीकी के आज के युग में भी बिना कोटिंग के लोहे का जंग निरोधी सामान बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह लौह स्तंभ यह प्रमाणित करता है कि भारत वर्ष में सदियों पूर्व लौह आधारित वस्तुओं को जंगरोधी बनाने की तकनीकी का ज्ञान था। प्रोफेसर सुब्रमण्यम और उनके विद्यार्थियों ने इसे समझने के लिए अलग अलग कई प्रयोग किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका निर्माण लौह फॉस्फोरस संयुग्म से किया होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम के अनुसार इस विधि का उपयोग ईसा से 400 वर्ष पूर्व होता था। उनके अनुसार वर्तमान में लोहे को जंग निरोधी बनाने के लिए इपॉक्सी कोटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की पद्धति लोहे को पूर्णतः जंग से मुक्त नहीं कर सकती। कुछ समय के लिए जंग लगने से बचा सकती है। अगर लोहा पूर्णतः जंग निरोधक चाहिए हो तो उस लोहे में ही ऐसी क्षमता होनी चाहिए। इसका आशय है कि भारत वर्ष में उस कालखंड में पूर्णतः जंगरोधी लोहा मिलता था, या फिर लोहे को पूर्णतः जंगरोधी करने की तकनीकी भारत वर्ष में उपलब्ध थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम के अनुसार ऐसा जंगरोधी लौह स्तंभ बनाने वाले भारत वर्ष के कलाकारों को लौह फॉस्फोरस संयुग्म का ज्ञान सदियों पूर्व से था। फिर भी विश्व जगत मानता है कि फॉस्फोरस का पता हैनिंग ब्रांड ने सन 1969 में लगाया था।
और भारतीय कलाकारों की इस विशेषज्ञता पर मौन हो जाता है कि 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की भारतवर्ष में वह कौन सी तकनीक थी जिससे इस लौह स्तंभ के टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। यह पश्चिमी जगत के भारतवर्ष के प्रति भेदपूर्ण नजरिए को ही उद्घाटित करता है। मेहरौली के इस लौह स्तंभ का संबंध उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य से भी जोड़ा जाता है। वराहमिहिर स्मृति ग्रंथ में इतिहासविदों ने शोध उपरांत यह माना है कि सम्राट के नवरत्न वराहमिहिर ने यहां दुनिया की पहली वैद्यशाला का निर्माण किया था और लौह स्तंभ भी उसी निर्माण का एक हिस्सा रहा होगा। मेहरौली के लौह स्तंभ के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे इस लौह स्तंभ को यहीं बनाकर लगाया गया या फिर यह कहीं और बना और लगा हुआ था जिसे बाद में निकालकर यहां पर लाकर लगाया गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में यह स्तंभ दिल्ली के लिए बना ही नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह स्तंभ सन 400 के आसपास मथुरा के विष्णु मंदिर के बाहर लगाने के लिए बनवाया था। इसका प्रमाण है इस स्तंभ पर ब्रह्मी लिपि में उकेरा गया एक संस्कृत श्लोक। चंद्र नाम के राजा की स्तुति करता हुआ यह श्लोक विष्णु मंदिर के सामने के लौह स्तंभ का महत्व बताता है। चूंकि इस श्लोक में चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है तथा चौथी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए यह माना गया कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया होगा। इस स्तंभ पर पहले गरुड़ की प्रतिमा अंकित थी, इसलिए इसे गरुड़ स्तंभ नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि लौह स्तंभ विदिशा के उदयगिरी स्थान पर बनवाया गया था, जिसे विदिशा पर जीत के बाद विदेशी आक्रांता ट्रॉफी के रूप में दिल्ली लाए थे। इसे लेकर एक कथा यह भी है कि इसे तोमर राजपूत राजा अनंगपाल लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि मेहरौली राजधानी के संस्थापक अनंगपाल इस स्तंभ से लालकोट और उनके यहां बनवाए हुए विष्णु मंदिर को सजाना चाहते थे। जैन ग्रंथ पसना हचार्यु सन 1132 के अनुसार यह स्तंभ इतना विशाल और भारी था कि नाग देवता भी इसके भार से हिल गए थे। वैसे भारतवर्ष में यह एकमात्र लौह स्तंभ अवशेष है ऐसा नहीं है, भारत के अन्य हिस्सों में भी लौह स्तंभ हैं। मध्य प्रदेश के धार और कर्नाटक के कोडचाद्री में विजय स्तंभ है। विदेश में यूनान, रोम और इथोपिया में भी ऐसे स्तंभ हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं कि भारत में यह कला ईसा के पूर्व 600 से 700 वर्ष से विकसित थी। सोनभद्र जिले का राजा नल का टीला, मिर्जापुर जिले में मल्हार और पश्चिम बंगाल के पांडुराजार, दिबी, मंगलकोट आदि जिलों में सर्वोत्तम गुणवत्ता के लौहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि लौहे का ऊंची गुणवत्ता का धातुकर्म भारत में 2500-3000 वर्ष पहले से मौजूद था। प्राचीन विदेशी प्रवासियों ने भी लिखा है कि अत्यंत ऊंचे दर्जे का लौहा भारत में होता था। भारत वर्ष में प्राचीन काल से लौहा बनाने वाले विशिष्ट समाज हैं। अगरिया लुहार समाज का नाम ही इनकी विशेषज्ञता के कारण जाना जाता है। अगरिया शब्द आग शब्द से तैयार हुआ है, आग में काम करने वाले अगरिया। मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तथा सरगुजा जिलों में यह समाज पाया जाता है, जो गोंड समाज का ही एक हिस्सा है। इस समाज की दो उपजातियां हैं, पथरिया और खुटिया। लोहे की भट्टी तैयार करते समय पत्थर का जो उपयोग करते हैं उन्हें पथरिया कहा जाता है और भट्टी तैयार करते समय खूंटी का उपयोग करने वाले खुटिया कहलाते हैं। समाज के कुशल कारीगर आज भी लोहे की खदानों से मिट्टी निकालकर उसमें से लोहे के पत्थर चुनकर उस पर क्रिया कर शुद्ध लोहा तैयार करते हैं।
लोहा बनाने की अगरिया समाज की यह पारंपरिक पद्धति है। भारत उत्कर्ष। भारत वर्ष में मंदिरों की अनूठी श्रृंखला है। इसमें खजुराहो का विशेष स्थान है। यहां मंदिरों का विशाल परिसर है जहां अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। इन्हीं में से एक मंदिर ऐसा भी है जो जिस देवता के नाम से प्रसिद्ध है उस देवता की मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। सागर झील तट के किनारे स्थित मंदिर को लोक मान्यता में ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है। हालांकि मंदिर के द्वार पर विष्णु मूर्ति स्थापित है और मंदिर के अंदर चतुर्मुख शिवलिंग विराजमान है, इसलिए इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संगम कहा जाता है। मंदिर का शिखर बलुए पत्थर से और शेष भाग कणाश्म से निर्मित किया गया है। मंदिर का अधिष्ठान 64 योगिनी मंदिर के समान सादा और सुंदर है। मंदिर तल विन्यास में अलग प्रकार की है, परंतु ऊर्ध्वच्छंद में समरूपता ही दिखाई देती है। इस मंदिर की जंघा दो बंधों वाली तथा सादी है और उसके ऊपर छत स्तूपाकार है। मंदिर का बाहरी भाग स्वास्तिक के आकार का है। मंदिर का अंतर्भाग वर्गाकार है जिसमें कणाश्म से निर्मित 12 प्रकार के सादे कुंड स्तंभ हैं। इन्हीं स्तंभों पर वितान पूर्वी प्रक्षेपण में प्रवेश द्वार है और पश्चिम की ओर एक अन्य छोटा द्वार है। पार्श्व के अन्य दो प्रक्षेपणों में पत्थर की मोटी और अलंकृत जालीदार खिड़कियां हैं। प्रवेश द्वार के सिरदल में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्थूल मूर्तियां हैं और द्वार स्तंभ में एक अनुचर सहित गंगा और यमुना के अंकन के अतिरिक्त प्रवेश द्वार हैं। इन प्रवेश द्वार में ना तो प्रतिमाएं हैं और ना ही किसी अन्य प्रकार का अलंकरण दिखाई देता है। ब्रह्मा मंदिर का निर्माण काल लालगुआ महादेव मंदिर के साथ बताया जाता है, क्योंकि उस समय संक्रमण काल के मंदिर हैं, जब बलुए पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था किंतु कणाश्म का प्रयोग पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था। प्रसाद। कर्म सिद्धांत में यह माना जाता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग रहता है। भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान की भक्ति और कृपा के कारण भक्त के पापों का क्षय होता है। इस प्रकार प्रसाद का अर्थ है भक्त के ऊपर भगवान की कृपा। वीर शैव मत में शिव को प्राप्त करने के लिए इन 6 अवस्थाओं से होकर जाना पड़ता है। ये 6 अवस्थाएं भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिंग, शरण और ऐक्य है।
विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।